नमस्कार मित्रों, जय महाराष्ट्र का। चलिए, मेरे इस टाइटल से समझ गए होंगे मित्रों आज हम किस विषय पर बात करने वाले। हम ऐसे विषय पर आज बात करने वाले, हम ऐसे राज्य के बारे में बात करने वाले। जब भी भारत के बारे में बात होती है तो इस राज्य का नाम प्रथम लिया जाता है। आप बता सकते हैं मैं किस राज्य के बारे में बात करने वाला हूँ आज? हाँ, महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के बारे में आज रोचक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो कृपया, अगर आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करते हैं। लोग पूछते हैं ना, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? मित्रों, हमें मोटिवेशन आपसे मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की जन्मभूमि के बारे में बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र के रोचक जानकारी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र सेंचुरी में, 7वीं सेंचुरी से लिया जाता है महाराष्ट्र का जो नाम है। 7वीं सेंचुरी में एक चीनी यात्री यहां पर आया था भारत की यात्रा करने के लिए, तब उसने महाराष्ट्र के बारे में लिखा था। उसका नाम था सेन के बारे में, युआंग सेन जब आया था भारत में, और उसने महाराष्ट्र के बारे में, महान राष्ट्र, महाराष्ट्र और मराठा, और मराठा की जो भाषा कौन सी है, मराठी। महाराष्ट्र की जो अधिकृत भाषा जो है मित्रों, आधिकारिक भाषा जो है मराठी है। यहाँ पर हिंदी बोला जाता है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा भाषा यहाँ पर मराठी में बोला जाता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज, जब भी महाराष्ट्र का नाम आता है मित्रों, तो महाराष्ट्र और छत्रपति शिवाजी महाराज, ये नाम जो है आप एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में देखा जाता है। मराठा साम्राज्य की स्थापना जो है, मराठा स्वराज्य की स्थापना जो है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी 1630 और 1680 के बीच में। ये इसकी नींव रखी गई 1 मई 1960 में। स्वतंत्र स्टेट महाराष्ट्र, स्वतंत्र स्टेट बना। इसके पहले महाराष्ट्र जो है मुंबई प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रूप में माना जाता था। महाराजधानी है मुंबई, और सेकेंड राजधानी है जिसकी, नागपुर। देखा जाएगा तो आरबीआई हमेशा मेन सिटी में रहता है मित्रों, कैपिटल में रहता है। हर राज्य के कैपिटल में आपको आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिलेगा, लेकिन नागपुर एक ऐसा शहर है जहां पर आरबीआई है, और पूरे भारत का सोना आपको वहां पर मिलेगा। सारे भारत का सोना वहां पर रखा गया है मित्रों, कितनी बड़ी बात है। यहां पर देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा टैक्स पेयर अगर किसी राज्य में मिलेंगे, सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले लोग, सबसे अमीर महानगर पालिका अगर कहीं है तो वो है महाराष्ट्र में, मुंबई में। सारे उद्योगपति आपको यहां पर मिलेगा। महाराष्ट्र के मुंबई को कैपिटल की राजधानी बोला जाता है, यानी फाइनेंशियल राजधानी बोला जाता है। सबसे अच्छी बात है मित्रों, यहाँ के लोकल ट्रेन, आपको जानते हैं लोकल ट्रेन में कितने लोग रोज यात्रा करते हैं? तो लोकल ट्रेन में, मुंबई की लोकल ट्रेन में वेस्टर्न हार्बर और सेंट्रल मिला के लगभग 80 लाख लोगों को लोकल ट्रेन यहाँ से वहाँ पहुँचाती है। 80 लाख का मतलब हो गया 2021 के अनुसार इसराइल की जो आबादी थी मित्रों 80 लाख थी, और उतने तो हमारे ट्रेन में लोग सफर करते हैं, लोकल ट्रेन में सफर करते हैं। महाराष्ट्र की दूसरी मेट्रो सिटी, पहली मेट्रो सिटी कौन सी है? मुंबई। कौन सी है? मुंबई। और दूसरी है पुण्य नगरी पुणे है, जहां पर सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है, और पुणे को ऑक्सफर्ड भी बोला जाता है। भारत का अगर ऑक्सफर्ड कहीं पर है तो वो पुणे में है मित्रों। उसी के साथ साथ नागपुर है। और एक बात बताना चाहता हूं मित्रों, यहां पर एक उल्का पिंड गिरा था 52,000 साल पहले अंतरिक्ष से एक उल्का पिंड आके गिर गया था बुलढाणा जिले में, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में, जिसे लुनार झील कहा जाता है। लुनार झील जो है ये रहस्यमय झील है, जहां का पानी खारा है, 152 फीट जिसकी गहराई है, वो उल्का पिंड महाराष्ट्र में ही है। हाँ, उल्का पिंड जो है झील महाराष्ट्र में ही, खारा पानी वाला। अच्छा, आप लोग अपने घरों में ताला लगाते हैं? कौन कौन लगाते हैं? लेकिन महाराष्ट्र में एक ऐसा कस्बा है, महाराष्ट्र में एक ऐसी जगह है जहां पर लोग दरवाजा भी नहीं लगाते, जहां पे दरवाजा भी नहीं है, जहां पर ताले नहीं बिकती है। बताएंगे कौन सी जगह है जहां पे ताले भी नहीं लगाते हैं, जहां पे दरवाजा भी नहीं है? यस, कौन सा है वो? शनि सिंगनापुर। यस, शनि सिंगनापुर एक ऐसी जगह है जहां पर ताले नहीं लगते हैं, जहां पर दरवाजा नहीं लगता है, और फिर भी चोरी नहीं होती है मित्रों। ऐसा शहर सिर्फ आपको शनि सिंगनापुर महाराष्ट्र में ही मिलेगा, सिर्फ महाराष्ट्र में ही मिलेगा। अच्छा, ये बता सकते हैं संतरा सबसे ज्यादा कहां पर बिकता है? संतरा कहां पर उगता है सबसे ज्यादा? पेड़ पे। लेकिन हाँ, नागपुर जो है संतरों की नगरी मानी जाती है। अच्छा, प्याज पूरे भारत में कहां पर बनता है या उगता है? हाँ, प्याज जो है नासिक नाम का एक शहर है महाराष्ट्र में, नासिक नाम का शहर है जहां पर भारत नहीं पूरे विश्व का सबसे ज्यादा प्याज उगाया जाता है और निर्यात उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। बाकी जगह पे प्याज सिर्फ एक बार उगता है, लेकिन नासिक में प्याज
तीन बार रुकता है, कितने बार? तीन। हाँ, तो सबसे ज्यादा प्याज जिसको हम कांदा बोलते हैं कहाँ पर रुकता है ये? नाशिक में। अच्छा, महाराष्ट्र में कितने सारे किले पता आपको? किले देखा आप लोग ने? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 450 किले हैं। ये किले का गढ़ माना जाता है महाराष्ट्र, और वो भी हमारे आराध्य देवता छत्रपति शिवाजी महाराज की देन है कि हमारे यहाँ पर 450 से ज्यादा, कितने? 450 से ज्यादा यहाँ पर किले हैं। मित्रों, आप हाईवे पे जाएंगे, सबसे लंबी हाईवे का नेटवर्क महाराष्ट्र में, सबसे लंबी रोड महाराष्ट्र में है। लगभग महाराष्ट्र का अगर आप देखेंगे कितने किलोमीटर स्क्वायर में है, तो 3,07,713, कितना? 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर। इतना बड़ा महाराष्ट्र है, इतना बड़ा महाराष्ट्र है। मित्रों, महाराष्ट्र जो है पूरे भारत में तीसरे नंबर पे आता है और आबादी में दूसरे नंबर पे आता है। महाराष्ट्र की आबादी है 13 करोड़, कितनी? लगभग 13 करोड़, इतनी आबादी है महाराष्ट्र की, इतनी आबादी है महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र में आपको कई जगह ऐसे मिलेंगे जैसे पुणे है, वाई सातारा है। फिल्म सिटी कहाँ पर है? फिल्म सिटी कहाँ पर है? सबसे ज्यादा फिल्म कौन से राज्य में बनती है? सबसे ज्यादा फिल्म जो है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में बिकती है, सबसे ज्यादा मुंबई शहर में बनते हैं। और सबसे पहले जो फिल्म है महाराष्ट्र में बनी थी नासिक में, और जो हमारे दादा साहेब फाल्के जिनके द्वारा पिक्चर बनाई गई थी, पहला पिक्चर नासिक में बना था हमारे दादा साहेब फाल्के, जिन्होंने फिल्म बनाई थी। लगभग 25 से 35 मूवी उन्होंने बनाई थी, और उन्हें यही जनक माने जाते हैं बॉलीवुड के या फिल्म जगत के जनक। भारत में चलचित्र का जो चलचित्र का निर्माण जो है, पहला चलचित्र जो है उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। मित्रों, तो ये सारी बातें जो है आप याद रखिएगा। कोल्हापुर है यहाँ पर, यहाँ पर मंदिरें आपको मिलेंगे, यहाँ पे चर्च मिलेंगे, यहाँ पे आपको मस्जिद मिलेंगे, यहाँ पर पारसी लोगों का देवालय मिलेगा आपको। महाराष्ट्र की भूमि ऐसी है, महाराष्ट्र को संतों की भूमि बोला जाता है। कोई बताएगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर कई संतों ने यहाँ पर जन्म लिया है। तुकाराम महाराज जी है जिन्होंने ज्ञानेश्वरी बनाया, ज्ञानेश्वर संत ज्ञानेश्वर ने यहाँ पर जन्म लिया हुआ है। कई संतों की भूमि जो है ये महाराष्ट्र में है, कई उद्योग का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। आप जानते हैं पूरे भारत में केवल एक ही जगह है जहाँ पे गोल्ड का रिफाइनरी होता है, गोल्ड को क्लीन किया जाता है, गोल्ड को क्लीन किया जाता है, और वो जगह है शिरपुर के पास। शिरपुर के पास है जहाँ पे गोल्ड को, जब कच्चा गोल्ड आता है ना, कच्चा गोल्ड आता है ना, सोना आता है ना, वो सोना, तो सोने को क्लीन करने का काम सिर्फ एक ही जगह पर होता है, और वो है शिरपुर में। तो ये सारी बातें आपको बताना जरूरी थी। संभाजीनगर जो है, पहले जिसका नाम औरंगाबाद था, संभाजीनगर में ऐसे बुरंद ऐसे बनाए गए थे, दरवाजे बनाए गए थे, 52 अलग अलग दरवाजे बनाए गए थे, लेकिन आज वहाँ पर 18 है। यूनेस्को ने ऐसे 5 जगह है महाराष्ट्र के, ऐसे 5 जगह को सिलेक्ट किया है जिसे विश्व धरोहर कहा जाता है, जिसमें अजंता एलोरा है, जिसके अंदर एलिफेंटा है, जिसके अंदर CST रेलवे स्टेशन है, ऐसे कई जगह पे है, कई जगह है जहाँ पर आप देखेंगे यूनेस्को ने जिसे विश्व का धरोहर कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर दिखाई देगी, यहीं पर सुनाई देगी। मित्रों, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत का पहला पोर्ट जो है कुलाबा में है, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिसका निर्माण किया था, नौसेना का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा। 16 एयरपोर्ट है, कितने एयरपोर्ट है? 16। हाँ, 16 एयरपोर्ट। ये अपने भारत के एक ही ऐसे राज्य जहाँ पर इतने सारे एयरपोर्ट बनाए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा अमीर, संस्कृति रूप से बोलिए, आध्यात्मिक रूप से बोलिए, शैक्षणिक रूप में बोलिएगा, फिनेंस रूप में बोलिएगा, हर चीज़ में, यानी ये सपनों की नगरी माना जाता है। महाराष्ट्र जो है सपनों की नगरी में इसका नाम लिया जाता है, जो भी यहाँ पर आता है और वो सफल हो जाता है, अधिकतर लोग यहाँ पर सफल होते हैं। मित्रों, आपको बताना चाहता हूँ कि जो सबसे अमीर है, और ये अमीर गाँव कहाँ पर है पता आपको? बाजार जो है ये महाराष्ट्र में सबसे अमीर गाँव में इसका नाम लिया उन्हीं के द्वारा, ये वहीं के सरपंच है, और जो हमेशा वहाँ पर वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पानी पर उन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है। तो मित्रों, ये सारी जो धरोहर है ये, और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड जो कंपनी है, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड भी मुंबई से, यानी महाराष्ट्र से ही बिलोंग करता है, जिसका नाम लिया जाता है, ये भी महाराष्ट्र के अंदर ही मुंबई के पास ही ये उपस्थित है। मुंबई के अंदर कई मंदिरें हैं, जैसे शिरडी का मंदिर है, जहाँ पर लगभग ऐसा बोला जाता है कि एक वक्त ऐसा आ जाता है कि 3-3 लाख लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो मुंबई शिरडी का मंदिर देख लीजिएगा, साई बाबा जी का मंदिर देख लीजिएगा, आप हनुमान जी का शनि सिंगनापुर देख लीजिएगा, उसी के साथ साथ आप मुंबई का जो है सिद्ध विनायक मंदिर आप देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। तो मित्रों, ये बातें थी।
जो आपके साथ करनी थी, इसलिए कहा जाता है ना कि महाराष्ट्र सचमुच में महान राष्ट्र है। ये इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर पैदा हूँ, बल्कि यहाँ पर हमने सारी अच्छाइयाँ देखी है, हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखी है। कई स्वतंत्र वीर यहाँ पर पैदा हुए हैं, बाल गंगाधर तिलक यहाँ से हैं, वीर सावरकर साहब यहाँ से हैं, यहीं से आपको दादा भाई नौरोजी यहाँ से हैं, ऐसे कई स्वतंत्र वीर यहाँ से यहाँ इस मिट्टी में वो पैदा हुए हैं। तो ये सारी बातें थी मित्रों, और सचमुच में आप सभी को महाराष्ट्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारी चीज़ें आज आपने अपने महाराष्ट्र के, हमारे महाराष्ट्र के बारे में सीखी होगी। तब तक के लिए, अगर आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा, ये हमें मोटिवेट करती है। तब तक के लिए धन्यवाद।